तेरा कुछ ही है, छवना हो ही गया, 15 भी हो गया और चले बात बंद। आवाज लेता रहोगे शांत रहिए, फटाफट में करूंगा, ध्यान दो उस पर, और बहुत सा काम करना है हमको आज आगे भी। सभी ध्यान देना इस बच्चे से, तुम आते हो इसको डाइवर्ट कर देते हो। मेरी गलती थोड़ी है, आप उसके लिए स्पेशल स्टैंड लगा दीजिए। शुरुआत बंद। सभी जान रहे हो कि क्वेश्चन में 11 पे काम कर रहा हूँ, बात नहीं आ रहा हूँ। क्वेश्चन में 11 में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ या तुम प्रोग्राम को थोड़ा फटफास्ट में उसके किनारे पर बैंक मत मतलब किनारा एक क्या खड़ा है, टीवी टावर खड़ा है। टावर के अपोजिट वाले बैंक इधर होगा, टावर के अपोजिट वाले बैंक के किसी पॉइंट से, मान लो ये वो किनार है, किनार का एक बैंक ये है, दूसरा किनार इधर होगा, इधर वाले किसी भी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री। टावर के टॉप का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. Very good. इस पॉइंट को इस पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके 20 मीटर इधर अवे कर, अवे में दूर हो गया ना, 20 मीटर दूर से देखा गया तो उसी का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर हाइट निकालना है और क्या निकालना है, वाइड ऑफ द कैनाल। देखिए क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। आपका टावर कौन है, ए बी है, एक टावर जो है किनार के दो होगा किनारा, एक किनारा उस तरफ एक इस तरफ, इस वाले बैंक पर कौन है, इस वाले बैंक पर टावर है और इस वाले बैंक पर एक पॉइंट है, कौन सीमा पी मान लेते, उस पी पॉइंट से देखा वो टावर के टॉप को तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होना, 60 डिग्री। और उस पॉइंट पी के अगर 20 मीटर वो दूर जाता क्यू पॉइंट पर तो उसका एंगल ऑफ क्या होता एलिवेशन, 30 होता है ना। तो बोलो निकालने का टावर का हाइट, मतलब क्या क्या निकालना है आपको, निकालना ए बी है और क्या निकालना है, और निकालना विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल का विड्थ कौन है, क्यूबी या पीबी या बीक्यू, कौन है पीबी बाबू होगा, कैनाल का विड्थ पीबी ना होगा, अच्छे से सुनकर लो, कैनाल का विड्थ कौन पीबी होगा, कि कैनाल का एक किनारा ये है, अरे सुन लो अच्छे से, कैनाल का एक किनारा ये है और क्वेश्चन को आप अगले अष्टे में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है फॉर्म ए पॉइंट क्यू ऑन द अदर बैंक अपोजिट टू द फर्स्ट, इस बैंक के जस्ट अपोजिट बैंक ही ना, इसका मतलब ये दूसरा बैंक है, तो किसी किनार का दो ही किनारा होगा ना, एक शुरुआत का एक अंत का, उसके बीच का दूरी को विड्थ ऑफ कैनाल कहेंगे, तो विड्थ ऑफ कैनाल इसको नहीं मानना है, मानना किसको, पीवी, मतलब पीवी को ही कहेंगे विड्थ ऑफ कैनाल, उसमें कंफ्यूज करोगे तो एग्जाम में गलती बन जाएगा, और एवी को टावर का लेंथ है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो हो सकते हैं, है कैनाल का एक किनारे पे टावर है दूसरे किनारे पर क्वेश्चन में कहा है देखा गया उस पॉइंट से तो कितना बनाएगा, 60 बना,
फिर इस पॉइंट के आप 20 डिग्री आगे गए, दूर गए, तो कितना बना 30। वही लिखा गया, तो टावर का हाइट निकालना है और ब्रिथ ऑफ कितना निकालना है। चलिए तो अगर आप एग्जाम में सॉल्व करने से पहले लिखोगे तो अच्छे से लेट समझो, नोट वाप नहीं करना, लेट पीबी बी द केनाल है ना, और एंड इट्स टू बैंक, और इसका दो किनारा कहाँ कहाँ है, टू बैंक आर बी एंड पी, सही है, और ए बी क्या है, ए बी इज व्हाट, आपको निकालना ए बी बी और पी बी बी। चलिए पी बी को हम लोग यही छोड़ रहे हैं, किस राइट ट्रायंगल में आएंगे, इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, सबको दिखाई पड़ रहा है ना, ए पी बी राइट ट्रायंगल है, ए पी बी राइट ट्रायंगल में कहोगे सर टेन सिक्सटी डीडी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाय, बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर ए बी बाय बेस, यहां से ए बी का मान बोलो क्या आएगा, पी बी टेन सिक्सटी का मान रूट थ्री, रूट थ्री इंटू पी बी, रूट थ्री पी बी, इसको मान लिए इक्वेशन वन। कहोगे सर आप ए बी को अलग क्यों किए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रहा है, जो पार्ट कॉमन आए उसको दोनों ट्रायंगल से इक्वेट करके हटा देंगे। फिर किसमें आएंगे, इन राइट ट्रायंगल ए क्यू बी, हमेशा राइट ट्रायंगल ही लेंगे, दूसरे राइट ट्रायंगल ए क्यू बी में कौन सा है, यहां भी लेंगे टेन के, लेकिन हमेशा आपको कहा चुके टेन या कॉट लेते हैं अक्सर, ए बी वाई क्या लें इसमें बी क्यू, मतलब कितना 20 प्लस, सही है, ठीक है ना, टेन थर्टी का मान वन बाय रूट थ्री इक्वल्स ए बी वाई 20 प्लस पी बी, यहां से ए बी का मान क्या आएगा 20 प्लस पी बी बाय कितना, क्या माने इसको इक्वेशन, बोलो इक्वेशन वन और टू से क्या मिला तुम लोग को, फ्रॉम वन टू क्या कहोगे, कहोगे सर फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से क्या मिला, तो ये ए बी, ये ए बी और ये दोनों सेम है, दोनों सेम है तो फ्रॉम वन टू कहोगे सर रूट थ्री पी बी इक्वल टू कितना 20 प्लस पी बी बाय रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होगा, दिक्कत कहीं को कहीं है बोलोगे 20 प्लस पी बी हो गया, पी बी उस तरफ गया तो तीन पी बी में एक पी बी गया कितना बचा 2 पी बी इक्वल्स कितना 20, यहां से बोलो पी बी का मान क्या आ गया 20 बाय 2 मतलब 10 मीटर सेंटीमीटर मीटर गया, और जब पी बी मिल गया तो पी बी का मान यहां पुट कर देंगे क्या मिल जाएगा, पी बी यहां पुट करोगे ना 10 इंटू रूट थ्री, 10 रूट थ्री ए बी आया, therefore कहोगे ab का मान क्या आएगा, ab equals दिखाना है root 3 into 10 means कितना 10 root 3 meter, ये आप आंसर। एक बात आप सुन लीजिए, फिर से बोल रहा हूं, जब दो चीज निकालना हो, दो वेरिएबल निकालना हो तो दो इक्वेशन को बनाना जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी काम करता है और मैथ में भी, जितना वेरिएबल निकालना हो उतना इक्वेशन जरूरी है उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमको निकालते पी बी भी निकालना है और किसको निकालना है ए बी निकालना है, और ये 45 तो है नहीं, अगर 45 होता तब उसको हम एक वेरिएबल ही कहते, कि 45 होता तो ये दोनों सेम होता ना, ई बी एक्स ही होता, लेकिन ये 45 नहीं है तो मतलब ये एक्स तो ये वाई अलग होगा ना, इसका मतलब आपके पास दो वेरिएबल है, तो इक्वेशन जब तक दो नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, दो इक्वेशन बाहर नहीं, तो दो ट्रायंगल लिए, एक राइट ट्रायंगल से ये मिला हम लोग को, एक राइट ये लिया, दोनों से हम लोग को कॉमन पार्ट अलग कर देंगे, लगभग क्वेश्चन में कॉमन पार्ट को इक्वेट कर बना सकते हैं, लगभग क्वेश्चन में, लगभग हर एक क्वेश्चन मान लीजिए आप कि कॉमन पार्ट जो आएगा उसको अलग करके दोनों को सॉल्व कर बन जाएगा, यहां भी ये भी इक्वल कर दिए ना, ये दोनों इक्वल अपने आप इक्वल हो गया, सॉल्व कर लिए, बीबी वाला पीबी का मान पुट करेंगे इसमें भी तो ही मिलेगा, यहां पुट करेंगे तो ही मिलेगा, दोनों में से आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि पीबी का मान तुम सिर्फ यही पुट करोगे, पीबी चाहो तो यहां भी पुट कर सकते हो तो भी रिजल्ट सेम आएगा, और 20 प्लस 3 30 बाय रूट 3 काटोगे स्लैश करके उतना आएगा, 20 प्लस 10 30 आएगा, 30 बाय रूट 3 होगा, गुना भाग करोगे रूट 3 से इसको तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3, और ये कितना 30 रूट 3 काटने कितना आएगा 10, ठीक है, फर्स्ट में नोट करो, जिसका 11 नंबर डाउट था वो, जिसका भी 11 नंबर डाउट था वो नोट कीजिए फर्स्ट में, दो इसको हम कर दिए।
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ एच एम हमारे आवाज में दम लगे राज साहब बोलो कि लगे कुछ है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल कोमा रुक जा थोड़ा सा फुल स्टॉप है कोमा का मतलब का रुकना होता है देखो एक समुद्र है एक समुद्र के लेवल से कर रहा है एक लाइट हाउस है समझते हो लाइट हाउस क्या होता है लाइट हाउस भी ऐसा है ये मत समझना कि लाइट हाउस का मतलब हुआ एक ऐसा घर लाइट जल रहा है नहीं सर लाइट हाउस नहीं कहता है लाइट हाउस मतलब जो कि आपका शिप को डायरेक्शन देने का काम करता है मिस्टर कास्मेन करने काम करता है चलिए रुकिएगा एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा एक कौन है लाइट हाउस है चलो आगे पढ़ोगे ऐसे आप पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट फ्लाइट में नाम सुने होंगे फ्लाइट अंधेरे में चल जाता है तो क्या क्या हो जाता है अरे ना रडार चेंज करके आता हूं क्या नाम लैंचो नाम था उसका लैंचो उसके नहीं था लैंचो मैं उस लैंचो फर्स्ट चैप्टर में था हाँ उसी में जो कि आपका नहीं रोबोट तो इसमें लैंचो सर डेकोर्टा हाँ ब्लैक कलर नहीं बना उसमें पढ़ना इस चीज को भी मैम इसको पढ़ाई थी उसमें एक बड़ा था रडार क्या होता है उसका मतलब जानते नहीं थे उसमें एक सर थे इंग्लिश वाले स्कूल में फिल्मर में बाल सर होता उनसे पूछते थे हम ये रडार मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सिंगल देना कि आगे कोई प्लेन है कि नहीं ताकि कोलैप्स नहीं कर जाए सब काम होता है चलो पढ़ो आगे The angles of depression of two ships are 90 degree and 45 degree. रुको, समझ रहे होगे? 75 मीटर ऊंचा एक फ्लाइट हाउस है दो सिप है एक सिप मान लो यहाँ पर है सिप वन और दूसरा सिप कहाँ यहाँ है सिप टू ठीक है फिर से पढ़ रहा हूं कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सिप्स पहला सिप का डिप्रेशन ये एंगल होगा सही है ना दूसरे सिप का डिप्रेशन ये एंगल होगा सही है कौन एंगल बड़ा है फर्स्ट शिप का सेकंड शिप का फर्स्ट शिप का बड़ा है तो आप किसको मानेंगे 45 बड़े वाले 45 मान लिए छोटे वाले क्या मान लिए इतना कॉमन सेंस यूज कर लोगे मतलब पहले शिप का डिप्रेशन 45 देंगे दूसरे शिप का 30 देंगे क्योंकि बड़ा है आप बोल रही है आपका ट्रायंगल यहां तो बन नहीं रहा तो आपको पढ़ाए थे किस कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अल्टरनेट ये भी कितना होगा 45 और ये कितना होगा 30 नहीं होगा अल्टरनेट से पूछा भी हुआ अल्टरनेट किस ये बैठो अब निकालना क्या है आगे भी लिखा हुआ है कि पहला सिप जो है वो दूसरे सिप के जस्ट पीछे है ना पीछे सॉरी दूसरा सिप पहले सिप के जस्ट पीछे है निकालने का क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिप मतलब क्या निकालना है अरे क्या क्वेश्चन मार्क में क्या लिखे हैं जो मन से बोल दो अरे गधा निकालना है S1 S2 की लंबाई क्या है ये पॉइंट है पॉइंट बी है मान लो पता नहीं भी ये निकाल नहीं होगा चले ध्यान देना इस बात यहां भी आपको निकालना है एक ही टर्म से सिंगल टर्म निकालना है ना निकल जाएगा कहो कैसे तो ऐसे 90 है तो एकदम सिंपल है कुछ नहीं करना 45 है जहां 45 टाइम क्यों आपके पास एग्जाम में समझ जाओ ये भी कितना होगा सेम नहीं होगा अब इसका तो कहना ही नहीं है 10:30 इक्वल्स क्या लोगे किस राइट ट्रायंगल में ए एस टू बी में अरे ए एस टू बी ट्रायंगल है अरे एस टू नाम का बस एस टू बी में 10:30 इक्वल्स क्या 75 बाय कितना इतना प्लस कितना लोगे मींस एस वन एस टू प्लस कितना 75 कोई दिक्कत किसी को नहीं है अगर समझने में कष्ट है आप क्या क्या सर लिख रहे हैं तो उसको एक्स मान लीजिए क्या मान लिया इसको ठीक है 10:30 का मान 1/√3 इक्वल 75 बाय कितना एक्स प्लस 75 एक्स प्लस 75 इंटू 75√3 होगा मींस एक्स का मान कितना 75√3 माइनस 75 कॉमन भी 75 बचा √3 माइनस कैंसिल हो गया यही तो एक्स को माने थे हम एस टू
क्या आपको दिक्कत किसी को है? कम टाइम में 45 का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो? कहोगे सर नहीं यूज कर सकते हैं तो आपको पहले स्ट्रगल माना पड़ेगा। जो हम जानते हैं कि इसको निकालने के लिए इस पूरे में इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, या इस पूरे को आप नहीं निकाल रहे हैं तो भी एक शॉर्ट तरीका बोले आपको निकालना पड़ेगा। किसको? आपको एस वन बी को तो निकालना ही पड़ेगा। एनी हाउ इसको निकालने का एक तरीका और देखो, 1045 इक्वल टू क्या लेंगे, 75 बाय कितना एस वन बी, सही है। 1045 कौन वन होगा, 1 इक्वल 75 बाय एस वन बी। यहां से बोलो एस वन बी का मान क्या आ गया, एस वन बी का मान कहोगे सर 75 मीटर आ गया। जब एस वन बी आ गया यूज कर लिया ना, कैसे 10 इस टंगल में 1030 इक्वल ए बी बाय ये पूरा ना, मतलब ये 75 निकाल रहे हैं प्लस कितना सॉफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन था आपका 13 14 नंबर, देखो 14 15 और 16 तो खत्म करेंगे लोग फटाफट, जो फास्ट में था उसको कोई जरूरी नहीं, इच्छा है तो 1.732 माइनस 1 करोगे 0.732 आएगा इनटू करोगे 25 नहीं करेंगे, तुम पूछा कर दो पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ दोगे तो गलती करने वाला कोई नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 15 और 16 तो बता करके इसको हम, हाँ तो कल आपको एक वर्ड था बर्बाद का है ना, बर्बादी का यूज होता है डेमोलिस, अच्छा वर्ड है याद आया, अच्छा नाम सुने हो, डेमोलिस कहते हैं, डेमोलिस मतलब बर्बाद करना, बिल्कुल नष्ट नाबूद करना कहते हैं हिंदी में, डिस्ट्रक्शन से हैप्पी वर्ड है, मतलब कुछ वर्ड में होता प्रभाव होता है, कितना केजी का कीर्तन होता है इसमें, कुछ वर्ड में एकदम दम होता है वही दम इसमें है। तुमको जमाना नहीं आया, चलिए बात बंद बंद कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 बात नहीं 14 15 16 हम एक ही ग्रुप में सब कर देंगे फास्ट में, सब ध्यान दो। 16 थोड़ा इम्पोर्टेंट बाबू है, 16 नहीं 15 है इम्पोर्टेंट, सब लोग है बिल्कुल समझ रहे हो, सिंपल है 15 पहले 14 पे काम कर रहा हूं। क्वेश्चन हम पढ़ के फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर एग्जाम में दिया हुआ नहीं आएगा मान के चलना है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर टॉल, स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड, उसने देखा कैसे एक बैलून को देखा वो हवा के साथ मूव कर रहा है, कौन बैलून, इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बैलून पहले यहां था फिर आगे बढ़ते बढ़ते बैलून कहां पहुंच गया, मान लो बैलून यहां पहुंच गया है ना, बैलून ये पहला बैलून एक ही है, पहले बैलून को देखा उसने यहां पर, फिर कहां देखा, कुछ समय के बाद देखा होगा क्योंकि हवा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस कारण से बैलून भी उठ करके यहां पहुंच गया, बैलून उठ नहीं रहा ऊपर बल्कि बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। क्वेश्चन भी कर हम नहीं कर रहे हैं, फिर सुनोगे, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स, स्पॉट्स मतलब देखा, ठीक है, किसको देखा, तो देखा एक बैलून को यहां था हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, उसके बाद फिर कर रहा है एट हाइट ऑफ 88.2 ग्राउंड से, इस बैलून की दूरी कितनी है 88.2, ये भी होगा और ये भी कितना होगा 88.2, तो ये जो गर्ल है वो भी तो ग्राउंड पर ही खड़ी है, ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है, ये फिगर ड्रॉ कर ली, बैलून का इनिशियल पोजिशन ये है, फाइनल पोजिशन ये है, गर्ल का आई यहां पर आई से उसने देखा, उसके बाद कहा गया आप सुनोगे The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at the instant is 60 degree. अभी angle of elevation कितना इसका है? 60. मतलब ये angle 60 है पूरा. कुछ समय बाद कितना हो गया? 30. मतलब ये बड़ा वाला angle 60 हो गया, छोटा कितना हो गया? कोई problem किसी को नहीं इसमें? बड़े angle को 60 किए, फिर उसके बाद कुछ देर बाद देखा balloon को तो यहाँ पहुँच गया ना? Angle घट के कितना हो गया? ठीक है? ये question नहीं कर रहा. Find the distance covered by the balloon during the interval. तो बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया? चलिए मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएगा, ए
बी सी डी ई एफ के एल मान लीजिए। चलिए बताओगे बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तुम ए बी, ए बी मतलब क्या निकालना है? एल सी नहीं, ए बी हवा में, ए बी ट्रायंगल में नहीं आएगा, है ना? जितनी लंबाई ए बी की उतनी एल सी की होगी, और जितनी एल सी की उतनी ई डी की होगी, क्यों सेम ही होगा, रेक्टेंगल इसका आंसर। बढ़िया, नब्बे ये बिल्कुल, नब्बे ये बिल्कुल, और नब्बे ये भी होगा, नब्बे ये भी, जहां जहां नब्बे था नब्बे कर दीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये 1.2 तो ये भी कितना 1.2 है ना, ये भी कितना 1.2, यहां से यहां तक कितना हो गया 1.2, 88.2 में 1.2 माइनस करोगे कितना आएगा 87 मीटर। निकल गया ये, तो ट्रायंगल का पार्ट चाहिए ना कम से कम। अभी ये ट्रायंगल कोई नहीं, ये कोई ट्रायंगल है क्या? कोई ट्रायंगल ही नहीं है, ये आपका 88.2 था, इसमें माइनस के 1.2 ही मिल गया। चलो सिंपल है, समझ हो गया यहां से सभी, ध्यान तो क्या बोल रहा हूं, निकालना है क्या, एलसी निकालना है ना, एलसी को निकालना है, बैलून कितना दूर चला, और एलसी मींस ए भी निकालना है। तो क्या करना है सुन लो, बस बोल रहा हूं बनाना अभी को, इस ट्रायंगल को लोगे, अगर इस ट्रायंगल में ये दिया गया है, ये एंगल दिया हुआ है, क्या के सी निकल जाएगा? मैं फिर बोल रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल बी के सी में आपको किसकी लंबाई मिलेगी? के सी की लंबाई मिल जाएगी। कैसे मिलेगा, कैसे का मतलब tan 30 इक्वल्स कर लो आराम से। उसके बाद फिर इस ट्रायंगल में आओगे, अब कहोगे ये ट्रायंगल क्यों नहीं, तो यहां 60 दिया है, इस ट्रायंगल में आओगे तो फिर कहोगे सर इन ट्रायंगल ए के एल अकल ट्रायंगल में आपको मिलेगा tan 60 का मान, tan कितना, देखो ये 87 है, ये भी कितना कितना होगा ना, 87 ये 60 ये मिल जाएगा, इस ट्रायंगल से क्या मिलेगा आपको KL। अब KC में KL माइनस करेंगे क्या मिलेगा LC, LC किसके इक्वल होगा, कर लेगा हमसे। चलिए घर के लिए हो गया, 15 नंबर दे दिए, 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग इस पर आना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छा नोट कीजिएगा इसको, नोट ये फास्ट करना है, 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 15 और 16, इसमें 15-16 और एक आपको हम 2-3 थोड़ा एक्स्ट्रा करवाएंगे दूसरे बुक से, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, थोड़ा फास्ट किया हो उसको, एक्जिया काम घर में भी कर सकते हो तो करो, दिक्कत नहीं है। फास्ट में कीजिए, हो गया सब ठीक है, हो गया 16 बन गया, 16 आसान है, एकदम जो भी दिमाग लेगा 15 में शिमटा रहा हूं मैं सर क्वेश्चन में, 15 देखो आओ 15 नंबर क्वेश्चन को तुम पढ़ो, तुम अंजलि फास्ट में क्वेश्चन, फास्ट मतलब हम कितनी समझ रहे हैं इसको, लेट्स मतलब क्या अंत, कोई भी लेट्स मतलब, लेट्स मतलब जोड़ता है, ठीक है, ए स्टेट हाईवे से मैं पढ़ा बैठो, ए स्टेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ टावर, एक टावर है, एक स्टेट हाईवे जो है उस टावर के फुट से होकर गुजरता है, मींस एक स्टेट हाईवे जो है वो टावर के फुट से होकर गुजरता है, लेट्स मतलब उससे होकर गुजरता है, जोड़ता है। उसके बाद ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी कहां बैठा हुआ है टावर के टॉप पर, मतलब आदमी का आंख यहां पर तैनात है, तैनात करने से क्या होता है मीनिंग, तैनात करने का मीनिंग तैनात करने का इंग्लिश मीनिंग होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब तैनात, आर्मी को डिप्लॉयड कर रहे हैं तो डिप्लॉयड हो गया, कोई काम में लगाना, और इंप्लॉयड मतलब होता है वो आपका रोजगार देना, मंत्र यही है तैनात करना डिप्लॉयड और रोजगार देना, तो इंप्लॉयड तो बड़ी है, हां एक नाम बड़ी नहीं बात है, देखा तो नहीं, 10 में आ गए, छोड़ दे दिए। तो ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से हाईवे पास कर रहा है, सांद्र हो गए,
ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, आदमी टावर के टॉप पर खड़ा है, ऑब्जर्व्स ए कार, उसने एक कार को देखा, ये मान लो कार है, कार को देख लिया ध्यान से, कार को देखा तो एंगल ऑफ इनिवेशन की डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दीजिए कितना है वो 30। जो क्वेश्चन में कहा उतने किए, उससे फाइल कुछ नहीं किए, ऐसा नहीं कि हम रट के आए फिर रो कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में कहा वो कर दीजिए। फिर वाइल अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, कार किसकी ओर पहुंचना चाह रहा है, टावर के फुट की ओर, टावर का फुट इधर है कि इधर है, कार इधर क्यों चल रहा हो, वाइल अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, अप्रोचिंग मीन्स पहुंचना, अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, कार का स्पीड कॉन्स्टेंट है, सेम है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया कार का, कार बिल्कुल यहां पहुंच गया होगा, पहुंच गया समान के कितना हो गया, वो दिक्कत किसी को है ना, टावर का फुट को मान लिया एफ, कार को मान लिया सी, कार का नया पोजिशन क्या सी डैश, आफ्टर कितना सेकेंड, यहां से आने के लिए 6 सेकेंड है, ये डिस्टेंस नहीं सेकेंड टाइम है, 6 सेकेंड लगा उसको यहां से आने में, तो निकालने का रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा निकालना है, टाइम इक्वल टू व्हाट फ्रॉम सी डैश एफ, बहुत आसान है, देखो अगर एकदम शॉर्ट बनाना चाहोगे वही बन जाएगा, एकदम शॉर्ट चाहोगे वही बन जाएगा, सिखा के ही बनाते हैं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, मान लेट ध्यान से समझोगे, ए एफ बी टावर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट द स्पीड ऑफ कार बी कितना मान लिए, एक्स के एम पी एच मान लेते हैं, एक्स के एम पी एच ना मान करके एक्स मीटर पर सेकंड मानते हैं, चूंकि टाइम सेकंड दिया हुआ है, के एम पी एच क्यों नहीं वहां पे माने, चूंकि टाइम आपका आवर में नहीं है सेकंड में, ये मानना पड़ेगा आपको, क्या माना स्पीड वैक्स मान ली, क्योंकि स्पीड कॉन्स्टेंट चल रहा है, इसका निकालना आपको यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा, ठीक है ध्यान से समझोगे इस अच्छे से, इन राइट ट्रायंगल कौन सा ए सी एफ, बोलो ये 30 तो ये भी कितना 30, ये 60 तो ये भी कितना, इसको वाई मान ले एफ को, तो दिक्कत ठीक है यहां तक, चलिए ध्यान देना, 10 30 इक्वल टू कितना होगा ए एफ बाय कितना सी एफ, 10 30 का 1/√3 हम डायरेक्ट कर दें, सी एफ बाय रूट थ्री इक्वल टू ए एफ, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अरे 1/√3 सी एफ, उसके बाद कहोगे फिर अगेन इन राइट ट्रायंगल कौन सा ए सी डैश एफ, यहीं पर रहा ना ए सी डैश एफ राइट ट्रायंगल है, सी डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ कार, ए सी डैश एफ में कहोगे कि सर 10 60 इक्वल टू कितना ए एफ बाय कितना सी डैश एफ, यहां से 10 60 √3 इनटू सी डैश एफ √3 सी डैश एफ इक्वल टू व्हाट, कोई दिक्कत उसको नहीं है, फ्रॉम 1 टू क्या कहोगे यहां पर, यहां से कहोगे सर फ्रॉम 1 टू चूंकि हमको घसकाना है किसके 1 टू को एफ को, यहां से कहोगे सी एफ बाय √3 इक्वल्स कितना √3 सी डैश एफ, तो यहां सी एफ का मान कितना आ गया 3 सी डैश एफ, कोई दिक्कत नहीं है, सी एफ का मान इतना आ गया, हमारे पास सी से एफ का टाइम दिया हुआ नहीं है, जिस टाइम दिया हुआ सी से सी डैश का, ऐसा करते हैं सी एफ को तोड़ते हैं, सी एफ को क्या लिख सकते हैं सी सी डैश प्लस सी डैश एफ इक्वल टू 3 सी डैश एफ, तो दिक्कत है, अब कहोगे सर इसी क्यों तोड़े, क्योंकि आपके पास सी एफ का टाइम दिया हुआ नहीं ना, आपके पास टाइम किसका है सी से सी डैश का टाइम, तो हमने सी एफ को तोड़ दिया किसमें सी से सी डैश प्लस सी डैश से एफ, तो सी डैश से एफ टाइम निकालना है, वही बचाव जिसको निकालना है जो है निकालना इसको है यह है दिया, वही बचा जिसको निकालना है जो है ये आपके पास निकालना इसको है ना, बच गया वहां तो सी सी डैश इक्वल टू कहोगे 2 सी डैश एफ, तो दिक्कत ये क्या डिस्टेंस ये क्या डिस्टेंस, क्लास 8 में पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चलिए डिस्टेंस है ये, स्पीड कितना है कण का एक्स, टाइम कितना लिया यहां से यहां का वो 6, तो दिक्कत नहीं है, चलिए 2 छूट गया, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, स्पीड कितना है कण का एक्स इनटू यहां का इनटू टाइम कितना लिया निकालना ही है टी माने टाइम को 2 2 कट गया तीन आया एक्स भी
हट गया, x का मान कितना है, t का मान 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड लगे आपको यहां से यहां पहुंचने में, तो दिक्कत तो ये बोल सकते हो ना, यहां तक आपने काम किया डिस्टेंस का ही, वहां लास्ट में टाइम का कांसेप्ट डिस्टेंस के कोण से स्पीड इंच का आया था, अब सीरियस में थोड़े क्यों बोल दिए, इसको भी निकालना है आपको जो और इसको करना है वो, ठीक है फटाफट लिखिए फर्स्ट में, दिक्कत है बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बात बिल्कुल नहीं समझोगे आसान ही है, 16 सबसे आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का आसान क्वेश्चन, बस एक लाइन बनेगा समझो कैसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर का टॉप है, टावर लगी अंदर पहले, टावर का टॉप है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टू पॉइंट्स, एक का डिस्टेंस कितना है, एक का डिस्टेंस 4 मीटर और दूसरे का कितना है 9। दो पॉइंट से टावर के टॉप को देखा गया, तो क्वेश्चन में कह रहा है वो दोनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर भी है, बिल्कुल सही है, और ये दोनों जो है वो किस चीज को फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन का सम कितना होगा, वो 90। According to question, मान लेंगे let angle ACB equal to अगर theta तो angle ADB equal to कितना 90। क्यों? कि question में कहा कि दोनों point से जिस angle से देखा गया इसको tower के top को वो दोनों क्या है complementary है, इन इस दोनों का सम 90 हो, एक theta दूसरा क्या हो गया 90 minus। प्रूफ करना है क्या, प्रूफ करना है हाइट ऑफ टावर मींस एबी का मान कितना, ये प्रूफ करना है, आसान बहुत क्यों है, टेन थीटा इक्वल टू का होगा एबी बाय 4, सही है, टेन थीटा इक्वल एबी बाय 4, ठीक है ना, फिर कहोगे सर टेन 90 माइनस थीटा, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, ये है ना, और पेंडेंट कौन है एबी, और बेस कितना हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम किसी को, और ये बाबू किस ट्रायंगल में आया, ये ट्रायंगल एसीबी में आया, ये किस में आया, एडीबी में आया, ठीक है, अभी आगे स्टॉप नहीं करेंगे, उसको आना है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाए थे 40, निकालना क्या है एबी, एबी निकालना है मतलब टेन और कॉट पढ़ाना पड़ेगा, टेन और कॉट तभी हट पाएगा जब टेन और कॉट दोनों गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे तब ना टेन टू कॉट वन होगा, मल्टीप्लाइंग वन एंड टू तो कहोगे सर इस तरफ टेन थीटा और इस तरफ कितना कॉट के नीचे में, और उसके ऊपर में एबी बाय 4 नीचे में क्या, फिर एबी बाय 9, यहां से टेन कॉट कट हो गया 9 6 36 गुना 1 36 हो गया इक्वल एबी का स्क्वायर, यहां से एबी का मान ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फिफ्थ सेंटर इज बीटा, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ सेंटर इज आर साइन बीटा कॉसेक अल्फा बाय 2। चलो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सिखाता हूं क्वेश्चन में करना क्या है।
क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट पर बेस्ड है, समझोगे इसको तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। शुरू करें इसको। कल भी इसमें हम लोग काम किए, थोड़ा सा पूरा काम नहीं, बहुत काम किए थे इस टाइप का कॉन्सेप्ट। चलिए सुनिए आंसर सभी। एक राउंड बैलून है, मतलब एक बैलून है उसका शेप स्फेरिकल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, सेंटर मान लो ये इसका सेंटर है और रेडियस क्या इसका है, सबटेंड एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। मान लो एक आदमी यहां पर खड़ा है, आदमी के आंख पर कितना एंगल बना रहा बैलून, सिर्फ अल्फा। तो कोई भी आदमी हो क्या इस पूरे बैलून को देख पाएगा? नहीं, वो हमेशा किस पार्ट को देखता है, डायमेट्रिकली पार्ट, मतलब इसको मैक्सिमम यहां दिखाई पड़ेगा और इतना यहां पर, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दो, दोनों को ज्वाइन कर दो, क्या बोले ये एंगल कितना हो गया आपका? ये मान लो आई है किसका, ऑब्जर्वर, बात नहीं, ऑब्जर्वर ने बैलून को देखने का प्रयास किया तो वो देखा तो दोनों पार्ट से जो आपका ज्वाइन हुआ वो कितना बना एंगल अल्फा। कल भी काम किए इस पर ना, काम नहीं किया, भूल गए थे ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, सेंटर ये है ना, सेंटर के लिए कौन सा एंगल यूज किया है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये क्या होगी, ये होगी आपका आई लेवल, ये लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ नहीं हो गया ना, क्या दिया हुआ ये, और इन परपेंडिकुलर ड्रॉ तो करना आपका काम ही है, ओ ए बी सी, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है बोल सकते हो, फिगर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट अभी भी है, दिख रहा है, अरे आंख से देखा सेंटर को, लाइन ऑफ साइट, आई लेवल, एंगल बीटा ड्रॉ की परपेंडिकुलर, क्यों ड्रॉ की है, क्यों निकालने का रहा है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, व्हाट इज हाइट ऑफ ग्राउंड से, चलिए ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या 90 होगा यहां पर, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90 होगा यहां पर, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद सुनिए, सुन रहे हो ना, यस रेडियस, रेडियस कॉमन 90 90, ये दोनों साइड पर हो गया, मतलब बीसी किसकी पर हो गया, प्रॉब्लम सुनो, फिर सुन लो, कहो क्लियरली ट्रायंगल बी सी डी is congruent to triangle BDO, BDC नहीं, BD, BC or congruent to BDO by which rule? RHS, है ना? अरे एक right triangle है, एक common आ गया, अरे ये इसके एक triangle है ये BCO, एक ये BDO, congruent जैसे हुआ, वैसे कहोगे sir by CPCT, BC किसके equal हो गया? BD नहीं हो गया, BC इक्वल BD के, तो दिक्कत के बोलो किसी को, अच्छा सोच रहे थे दिक्कत है कहने तो बोल, अरे एंगल तो बाकी है, और भी एक काम हुआ, जब ये कॉम्पोनेंट हो गया तो ये दोनों एंगल सेम नहीं हो गया, ये अल्फा था तो अल्फा बाई टू, ये भी कितना हो गया, आल्सो कहोगे सर कि एंगल सी डी ओ इक्वल्स एंगल ओ बी डी इक्वल्स कितना, अल्फा बाई टू, इक्वल अल्फा था। चलिए यहां तक कोई आपत्ति नहीं,
आपको प्रूफ करना है उस पार्ट को अच्छे से गौर कर लीजिए, प्रूफ करना है हाइट, मतलब प्रूफ करना है OA इक्वल्स, इंप्रूव करना है OA के लिए आपके पास क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, एकदम समझ के चलोगे हम कैसे कैसे हम चल रहे हो चलना आपको सोचना। अभी हम भी मान लो कुछ जाने नहीं क्या करना, हम जानते हैं कि साइन बीटा लिया प्रूफ में, तो हम भी इसको देख करके साइन बीटा ले लिए, यहाँ टेन का कॉन्सेप्ट मैंने हम उसको देख कर साइन बीटा लिए। साइन बीटा इक्वल्स क्या होगा पढ़े हो ना, परपेंडिकुलर एओ हाइपोटेनस इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई साइन बीटा आ गया। चलिए अब इसके बाद अब अगला प्रॉब्लम फिर क्रिएट हुआ कि सर प्रूफ में साइन बीटा भी है, ग्रुप में AO भी निकालना है, BO को हटाना है, BO किस राइट ट्रायंगल का पार्ट हो सकता है सोचिए तो, इन राइट ट्रायंगल OBD बिल्कुल सही, उसी में संभावना है BO हटाने का। BO को हटाने के लिए ट्रायंगल OBD चेक किए, चेक किए OBD ट्रायंगल में कौन सा एंगल है, देखो अल्फा राइट टू एंगल तो बन रहा है, बन रहा है कॉसेक लेके साइन लेके टेन लेके कॉट लें, कॉसेक लें ऊपर देख लीजिए क्या लिए कॉसेक अल्फा बाय टू, कॉसेक का फॉर्मूला पढ़े हो क्या, कॉसेक का फॉर्मूला पढ़े हो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर मींस ओबी बाय ओडी, ओडी मतलब कोई कष्ट नहीं को नहीं सर, किसको हटाना था हम लोग को, क्या बीओ कमांड का निकलने का संभावना है यहां से, बिल्कुल है, बीओ कमांड क्या हो गया आर कोसेक अल्फा बाय 2, क्या माने इसको, अब करना कुछ नहीं है पुट करना है, पुट आर इन इक्वेशन, पुट बीओ इन इक्वेशन, फर्स्ट पुट कर दीजिए, साइन बीटा आपके पास रही गया एओ रही गया, इसका मान क्या निकाले हैं, देखो बीओ है यहां पर आर कॉस से अल्फा बाय टू, कॉस मल्टीप्लाई कीजिए कैंसर आया कि नहीं आया, ऐसा है कैसे रहते हैं आप, ये ना एकदम चलना चरणबद्ध तरीके से, जिस तरह लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खत्म किया और फिर उसको चालू करने का तैयारी हो रहा है, है ना, नहीं यहाँ नहीं होगा लेकिन दिल्ली वगैरह में वो तो हो हुआ, वहां भी नहीं है पार्सल लगाया, पार्सल मतलब क्या राइट कर, ये सब बड़ा मिस सुन के तुम सिखा रहे हो, दिमाग कैसे सीखे, प्रूफ को अच्छे से रखना, एग्जाम में कभी नहीं आया, सिखा दिया।